नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करने जा रहे हैं। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। सबसे पहले बच्चों हम इसमें इसे कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 के साथ, तो हमें प्राप्त होगा एक इसके बराबर है, देखिए एक्स स्क्वेयर के साथ है ए, एक्स स्क्वेयर के साथ है 2, तो ए बराबर होगा 2 के। इसी प्रकार से एक्स के साथ है के, एक्स के साथ है बी, तो बी बराबर होगा बोलो के के। इसी प्रकार से बिना एक्स वाली रकम है 3, बिना एक्स वाली रकम है सी, तो सी बराबर होगा 3 के। ठीक है बच्चों, तो ये हमें प्राप्त हो गया। अब समीकरण के मूल बराबर दिए हैं, तो हम सबसे पहले डी निकालेंगे, b² - 4ac। डी बराबर होता है b² - 4ac के, और यदि समीकरण के बराबर मूल हो तो b² - 4ac 0 के बराबर होगा। देखिए जो शुरू में है, सबसे पहले हमने मूलों की प्रकृति की थी, उसमें किया था दो बराबर वास्तविक मूल, यदि मूल बराबर हैं तो b² - 4ac 0 के बराबर होगा, तो इसका मतलब b² - 4ac 0 के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं b किसके बराबर है, k² के, यानी k² - 4 * a, a किसके बराबर है 2 के, इंटू सी, सी किसके बराबर है 3 के, बराबर 0 होगा। तो k² - 4 * 8, 8 * 24, ये बराबर होगा 0 के। इसका मतलब k² बराबर होगा 24, इसके साथ माइनस हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो 0 + 24 आ गया 24। तो k² 24 के बराबर है, इसका अर्थ यह है कि k किसके बराबर होगा, 24 के रूट के बराबर, और साथ में इसके आएगा प्लस माइनस, क्योंकि प्लस √24 का भी स्क्वायर होगा 24 और माइनस √24 का भी स्क्वायर होगा 24। तो ये हमारे पास k का मान आ गया, k बराबर प्लस माइनस √24। यदि आप चाहें, कुछ किताबों में इसे और आगे हल किया होगा, देखिए कैसे, k बराबर प्लस माइनस √24। √24 का मतलब कितना हुआ, 2 * 4 * 8 * 24, तो इसमें से 1, 2 को इस रूट से बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 2, और अंदर बच गया 2 * 3 = 6, 6। तो आपको कुछ बुक्स में तो ये उत्तर मिलेगा k बराबर प्लस माइनस √24, कुछ बुक्स में ये उत्तर मिलेगा k बराबर प्लस माइनस 2 √6। फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ √24 को हमने उसका अभाज्य गुणनखंड किया और उसमें से एक जोड़ा रूट से बाहर आ सकता था, तो उसको बाहर ले आके ये दो दो का एक जोड़ा था, इसमें से 1, 2 रूट से बाहर आ गया, अंदर बच गया 2 * 3, उसको गुना कर दिया 2 * 3 = 6। तो आप इसे भी उत्तर मान सकते हैं और इसे भी उत्तर मान सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, सबसे आसान है, द्विघात समीकरण में के का मान निकालना था, उसके मूल बराबर थे, हमें पता है यदि मूल बराबर हो तो b² - 4ac 0 के बराबर होता है, हमने वही किया, 0 के बराबर रखने से हमें के का मान प्राप्त हो गया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।